गाइस स्वागत है आपका हमारे पहले गेम प्ले वीडियो में। आज हमारे साथ कुछ ऐसे प्रो प्लेयर्स खेलेंगे जिनके कोमल उच्चारण सुन के आपके कानों में ओ मेरा मतलब आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम उतरेंगे नोवो पे। नोवो पे आज थोड़ा गर्दी का माहौल है, बंदे का सूखा पड़ा है यहाँ, बंदों का सूखा पड़ा है यहाँ पे। उतरते से हमारा एक बंदा नॉक हो जाता है, मिस्टर निंजा। तो चलिए इन्हें करते हैं रिवाइव। अब हम थोड़ा सा इनसे दूर जाते हैं, लूट के लिए भटकते हैं। इतने में ये भाई साहब फिर से नॉक हो जाते हैं। चलो अब तो पानी सर के ऊपर निकल गया। यहाँ पे हमें सामने से आते हुए बंदे दिख जाते हैं और यहाँ पे हमारा एक बंदा इन्हें पहले नॉक करता है एंड देन गेम बिगिंस। यहाँ पे एक बंदा नॉक किया और ये बाइक का तुम्हारा स्प्रे और यहाँ हमारा एक और बंदा नॉक हो गया। अब देखिए भाई, आपको हम एक बात बताना चाहेंगे। अभी जो हमारे साथ होगा ना, इसे कहते हैं नज़र हटी हटी। यहाँ पे हमें बंदा पहले ही दिख गया था पर हमने इसे इग्नोर किया, तो इसने हमारी मान ली। इसलिए कहते ना भाई, जहाँ बंदा दिखे ना। तो अब हमारे निंजा भाई अपने नमक कर्ज चुकाएंगे। यहाँ मैंने उन्हें रिवाइव दिया। देखो मैं आपको बताया था हमारे प्लेयर्स के उच्चारण का, जिसका एक नमूना अभी हम आपको दिखाएंगे, वो सुन के आप देख लीजिए। आप सुन लीजिए, तो जैसा कि आपने अभी सुना, इसका हम कुछ नहीं कर सकते पर इनमें प्रेम भाव भी बहुत है। देखिए क्लॉज जेरी हमारे पीछे दौड़ता है, भाई फर्स्ट एड ले ले, और हम इसे नचाए जा रहे हैं क्योंकि हमें फर्स्ट एड मिल चुका है। ये बेचारा हमारे पीछे पीछे दौड़ के हमें फर्स्ट एड देने आया है, बहुत ही बढ़िया। अब जैसा कि आपको बताया कि गर्दी का माहौल है नोवो में, तो आज ओहो ये बॉट हमारे प्यार हो जाए। ओह यस, बॉट को मारने की फीलिंग। यहाँ पे इतने में एक और बॉट आ जाता है और क्लॉज जेरी हम पे चुराया, इसका भी अलग ही मजा है। किल चुराओ, गालियाँ खाओ। इतने में एक और बॉट हमारी गोदी में आके बैठ जाता है और यहाँ पे इसे भी करते हैं फिनिश। जैसे कि आपको हमने बताया, हमारे बंदे बहुत बढ़िया है पर यहाँ पे ये इनको लूट बहुत चाहिए होती है, तो हम इन्हें बोल बोल के थक गए। चलो आखिर जोन हमें काटा। अब यहाँ पे ब्रिज पे तो कुछ मिला नहीं, तो चलिए हम आज फ्लेयर ही चलाते हैं। अब हमारे पास थी भाई चार फ्लेयर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अगर एक फ्लेयर हुई तो लूट के लिए तो मारामारी होती है जैसा कि आपको पता है। तो हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि भाई पहला फ्लेयर कौन लूटेगा और आखिरी कौन। यहाँ पे पूरी प्लानिंग होती है, तब तक हम अपने लूट मचाते हैं। उसके बाद हमारा फ्लेयर आता है जिस पे हमारा नाम लिखा है सुनहरे अक्षरों से, लेकिन मिस्टर निंजा उसे लूटने पहले ही पहुंच जाते। इतने में यहाँ से फायर होना चालू होती है पर हम बैठे भूखे लूट के, तो हम पहले M249 उठाएंगे। M249 बिना चेन का अरे। अब भाई देखो, तुमने हम चार्ज कर तो दिया पर M249 तो हमारे पास है, तो चलवा तो दिखाना होगा। इधर करते हैं थोड़ा सा हेल्थ रिपेयर और पी लेते हैं आखिरी कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे एक गाड़ी ओपन में जाते हुए दिख जाती है, तो चलिए इन पे अपना जलवा दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे इतने खतरनाक स्प्रे जो तुम्हारे भाई जिसमें प्रो है, उसके बाद भी यहाँ सिर्फ एक ही किल मिला। इतने में हमारा एक बंदा जिनकी आदत है सबसे पहले नॉक होने की, M24 से नॉक होते हैं, इन्हें रिवाइव देख के हम आगे ही बढ़ते हैं। मचा ले इतने में यहाँ पे हमें दूसरे साइड से शॉट आते हैं। हम कुछ तो वापस निकल जाए पर ग्रोजा कैसे छोड़े भैया। ग्रोजा लेने वापस आते हैं पर हल्क उसे पहले ही लूट चुके थे, तो चलिए अब इसका गुस्सा हम उन बंदों पे उतारेंगे। तुम्हारे भाई की स्नाइपिंग स्किल्स तुम्हें पता नहीं है, अभी आपको उसका एक नमूना देखने को मिलेगा।
यहाँ पे M249 से घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता था इतने दूर बंदों का। तो मैंने यहाँ पे उठाई कार 98 हमारे निंजा की पेटी से, क्योंकि बहुत बुरा पिलाए हुए। और यहाँ पे देखो तुम्हारे भाई की स्नाइपिंग, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने मिस कर दिया। अब यहाँ देखो से हेडशॉट तुम्हारे भाई का। अब हम सोचते हैं यार रुकने से फ़ायदा कोई नहीं, पर हमारे प्लेयर्स को तो लूट मचानी है। वो लास्ट जोन में भी लूट मचाएंगे, इसे कहते हैं प्रॉपर प्रो प्लेयर्स। तो यहाँ पे थोड़ी हेल्थ लेते हैं। हल्क भैया ओम की एमओ उठा लाए हैं बहुत सारी, जिसका वो घंटा भी प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बंदा तड़तड़ी देते हुए, तो हम सोचते हैं इसकी लाई जाए मौली फेंक कर। जैसे ही हम मौली फेंकते ये बंदा थोड़ा सा खसक लेता है। इतने में क्लॉ जेरी उसे देखकर उस पर एक और मौली फेंकता है, पर इस बार भी हम उनका किल चुरा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह बेचारा जेरी। तो उसके बाद इस बंदे को लूट कर हम आगे बढ़ते हैं, अपना चुपचाप जोन में जाते हैं। पर कुछ बंदों में चुल मचती है हम पे ओपन में फायर करने की। तो अब देखना भाई तुम, बस तुम्हारे भाई का प्रो क्लच मजा आ जाएगा। तुम फैन मान ही गए ना, एक बंदा उनका हमारे बहुत हमारा भाई बंदा है। और यहाँ लास्ट बुलेट पे हमारा क्लच होता है। हम सोचते हैं पहले M249 रिलोड मारे, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं, ये फिर नॉक हो जाएंगे। पर M249 रिलोड होने में जब टाइम लेती है ना, तो अच्छे अच्छे की यू नो। अब हम हमारे हल्क भैया कहते हैं स्मोक करिए। स्मोक करने के बाद भी इनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि इन्हें हेडशॉट पड़ जाता है कान 98 का। इसी के साथ हमने सोचे इधर रुक के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम अच्छा कवर ढूंढते हैं। और सामने हम पे जोन तो था फिलहाल में, तो हम जेरी को त्रिविता कहते हैं, जिनका काम ही है नॉक होना, कि भाई चुपचाप बैठे रहे, हिलना मत, भले तू कुछ मत कर, बस नॉक मत होना। इसी के साथ कुछ बंदे दिखते हुए हमको हमारी तरफ आते हुए, तो तुम्हारे भाई की स्नाइपिंग स्किल्स देखो तुम। ये पड़ा एक शॉट, हेडशॉट नहीं हो पाया, आई एम रियली रियली सॉरी। थोड़ा यहाँ वहाँ देखते हैं, भाई हम पे ही फायर होता है, हम चुपचाप कोने में छुप जाते। पर अब तुम्हारे भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, अब तो उनको हेडशॉट देना ही होगा। तो जैसे ही हमारे जेरी भैया मोली करते हैं वहाँ, हम अपने स्किल्स दिखाएंगे पट से हेडशॉट। अब हम इन्हें कहते हैं कि रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, पर हम फिर सोचते हैं कि जोन हम पे है। इतने में हमारे निपटे हुए प्लेयर चिल्लाते हैं, भाई तुमको जोन में जाना है, हमारी ठीक पड़ जाती है। अब हम जेरी को बोलते हैं जल्दी यह गाड़ी चला, और आज आपको देखने को मिलेगा मिस्टर जेरी की ड्राइविंग स्किल्स, जो कि आज तक सलमान भाई भी कॉपी नहीं कर पाए। अब जेरी भाई रास्ते रास्ते में गाड़ी घुमाने चेंज करते हैं, और यहाँ पे हम भूल जाते हैं हमारे पास M249 है। हम देते हैं अंधा स्प्रे, इतने में एक बंदा हमें दिख जाता है, इसे हम नॉक कर देते हैं। हो गया और गंदा स्प्रे। अब M249 रिलोड होने में वार लगा देती है, और यहाँ वही हुआ। जैसे ही जीरो एमओ हुई M249 की, हमारी फटके हो गई गले में। और यहाँ पे हमारे एक जेरी भाई इतनी सही ड्रिफ्ट लेते हुए कि हमारा जोन के बाहर मरने का पूरा प्लान हो चुका था। और हमने सोचा क्यों, यहाँ मुझे ये बंदा नॉक लगा, पर मैंने इस पर स्प्रे दिया। वो भाई इसे देख के मेरी फटके गले में आ गई। अब सामने आखिरी बंदा बचा है, हम सोचते हैं नेट से मारेंगे, तो हमें चुल मचती है, हम नेट निकालने बाहर जाते हैं। और ये बंदा हमारी बाट लगा देता है, पर क्लॉ जेरी ये बात नहीं कर पाते, वो उन्हें पूरा किल करते, और ये हो गया हमारा विनर विनर चिकन डिनर। तो भाई अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, देखो तुम्हारे भाई को MVP मिला है, तो भाई लाइक करो और शेयर करो जितना कर सकते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए घंटी बजा दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।